नमस्कार, मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो में एक बार फिर से। और हर बार की तरह इस बार भी ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी कुछ नई और लेटेस्ट सवारियों की जानकारी हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। टाइम्स ड्राइव शो में पहले बारी है मर्सिडीज की ऑल न्यू GLS की सवारी की। उसके बाद आपको मिलवाएंगे टाटा की नई टिगोर के ICNG अवतार से। Mercedes-Benz GLA, although globally जो है इसको 2023 में ही रिवील कर दिया गया था, लेकिन इंडियन मार्केट में हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। तो तब्दीलियां क्या इस 2024 GLA में हुई हैं, किस तरह के डिजाइन में चेंजेस हुए हैं, किस तरह के फीचर्स इस नई GLA में ऐड करे गए हैं, एंड इंजन जो है पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन है, लेकिन वहां पर कोई नया बदलाव नहीं करा गया है, वो पहले जैसा ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरह का परफॉर्मेंस इस नई GLA में देखने को मिल रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। शुरुआत इसके एक्सटीरियर में हुए तब्दीलियों के साथ करते हैं। तो फ्रंट डिजाइन यहां पर कंप्लीटली बदल गया है। ये जो है इसका AMG वेरिएंट है जो कि 220D में आता है, डीजल में आता है। यहां पर आपको एक ग्रिल नया देखने को मिलेगा। हालांकि जो बाकी वेरिएंट्स हैं नॉर्मल जो AMG वाले नहीं हैं, वहाँ पर आपको जो ग्रिल का पैटर्न है वहाँ पे वर्टिकल क्रोम के स्लैट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर AMG वाले वेरिएंट में आपको डिफरेंट कुछ इस तरह से ग्रिल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऑल्सो 360° कैमरा इसमें अब आता है, एंड हेडलैम्प जो हैं ये भी आपको सिग्नेचर LED हेडलैम्प्स, हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प्स मर्सिडीज जिन्हें कहती है, तो ये भी एक नया एलिमेंट इसके फ्रंट फेस में आपको ऐड होता हुआ दिखेगा। एंड नीचे जो है स्किड प्लेट ये क्रोम फिनिश में कुछ इस तरह से दी गई है। साइड में आए तो यहाँ पर व्हील जो है आपको इसमें 19 इंच के 235 सेक्शन के मिलेंगे, एंड AMG वाला वेरिएंट है तो वही AMG के व्हील्स, 5-spoke अलॉय व्हील्स कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे, एंड AMG की ब्रांडिंग यहाँ पर भी देखने को इसमें आपको मिल जाएगी। जो बाकी वेरिएंट्स हैं वहाँ पर थोड़ा डिज़ाइन अलग देखने को मिलने वाला है, बट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले जैसा ही है। एंड ऑल्सो डोर हैंडल्स विद क्रोम फिनिश, विंडोज़ के आसपास भी क्रोम फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी, एंड ऑल्सो जो रूफ रेल है वो भी कुछ सिल्वर ग्रे टोन में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब रियर सेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम दी टेल लाइट्स, यहाँ नई रीडिजाइन टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी, एंड 4MATIC की बैजिंग है, 220D की बैजिंग यहाँ पर है, पेट्रोल डीजल दोनों का इनका ऑप्शन है इसमें। एंड ऑल्सो जो टेल लाइट के अलावा नीचे सेक्शन है वो आपको बॉडी कलर बम्पर प्लस यहाँ पे मैट फिनिश ब्लैक में इसका टोन देखने को मिलेगा, एंड थोड़ा सा क्रोम का एलिमेंट भी स्ट्रिप यहाँ पर दिया गया है, ड्यूअल एग्जॉस्ट टेल यहाँ देखने को मिलेगी विद क्रोम फिनिश। तो ये कुछ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर डिजाइन इस नई 2024 GLA के अंदर हुए हैं। अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या ऐड हुआ है, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दैट आउट। अब इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी को पहले कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो चेंज सबसे पहला जो है वो इसके स्टीयरिंग व्हील में देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसमें जो है ये इसका AMG वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे इसमें आपको ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन नया स्टीयरिंग व्हील अब इसमें आ गया है। एंड यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये भी अब कुछ नए आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन्स हैं, राइट साइड में जो इसका स्क्रीन है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसको कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ पे आपको राइट में देखने को मिल जाएंगे। सिंगल स्क्रीन है, दो सेक्शन में डिवाइडेड है, इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। एंड एडिशन जो एक नया यहाँ पे सॉफ्टवेयर को लेके हुआ है वो है नया MBUX सिस्टम अब इस नई GLA में मर्सिडीज दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो ओवरऑल डिज़ाइन है डैशबोर्ड का वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, हालांकि सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल करा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एलिमेंट ये कार्बन फाइबर फील कुछ इस तरह से दिया गया है इस AMG वाले वेरिएंट में। दूसरे वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको वो मर्सिडीज़ के स्टार वाला लोगो देखने को मिलेगा, तो कुछ उस तरह से पैटर्न उन वेरिएंट्स में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन फाइबर फील कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो बटन्स हैं, AC वेंट्स हैं, क्रोम फिनिश, पियानो ब्लैक, सब कुछ पहले जैसा है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो अब नए सिस्टम के साथ MBUX के साथ इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। नीचे आए तो वायरलेस चार्जिंग, USB-C चार्जिंग पॉइंट, कप होल्डर्स, एंड जो माइनस हुई है चीज़ वो है यहाँ पे ट्रैक पैड अब आपको इसमें देखने को नहीं मिला है। कुछ सामान रखने की अलग ही जगह दी गई है, फ़ोन
यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है, हालांकि इस फोन का साइज़ भी थोड़ा छोटा है, बट फिर भी फ़ोन रखने की प्रॉपर जगह नहीं है। बट कुछ कॉइन्स या कार्ड्स वगैरह आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सब चीज़ यहाँ पे इसमें आप रख सकते हैं। यानी यहाँ पे डायनामिक कंट्रोल, इसके जो ड्राइव मोड्स हैं उनको आप सेट कर सकते हैं, इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल और ऑफ रोड मोड भी यहाँ पर अब इसमें देखने को मिलता है। वॉल्यूम कंट्रोल एंड ऑल्सो पार्क असिस्ट का यहाँ पे बटन, फिजिकल बटन इसमें दिया गया है। इसके अलावा जो सेंटर पैनल है यहाँ पर भी चेंज हुआ है, अब आर्मरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड डीप इनफ विद 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। लेदर स्टिच थ्रू आउट विद रेड स्टिचिंग आपको थ्रू आउट, क्योंकि ये AMG वेरिएंट है तो वैसा ही कुछ स्पोर्टी फील, थोड़ा ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर थ्रू आउट आपको इसके कैबिन में स्टिचिंग में देखने को इसमें मिलेगा। तो ये मामला कुछ इन टर्म्स ऑफ कैबिन। या फ्रंट डोर की बात करें तो यहाँ पर तब्दीली देखने को मिलती है इस नई मर्सिडीज बेंज की GLA के अंदर। चलते हैं पिछली कतार में, वहाँ पर मामला कैसा है, लेट्स गो चेक दैट आउट। अब सेकंड रो की बात करें इस GLA के अंदर तो यहाँ पर मामला दो लोगों के हिसाब से कंफर्टेबल फील हो रहा है। यहाँ पे लेग रूम, हेड रूम एम्पल एनफ, पर थाई सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सीट्स जो है काफ़ी फ्लैट हैं तो मामला कुछ यहाँ पे है। बट ओवरऑल जो मटेरियल इस तरह से इस्तेमाल करा गया है, लेदर प्लस यहाँ पे फिनिश जो आप देख रहे हैं, रेड स्टिचिंग वगैरह, तो ये एलिमेंट्स काफ़ी कूल ज़रूर, यहाँ पे कंफर्टेबल सीटिंग ज़रूर महसूस हो रही है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा सा मुझे मिसिंग महसूस हो रहा है। एंड ऑल्सो एक चीज़ और जो मिसिंग यहाँ पे रियर सीट पैसेंजर्स के लिए मुझे लग रही है, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है एंड कप होल्डर्स वगैरह, हालांकि बूट एक्सेस करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। मे बी यू कैन यूज़ इट एज एन आर्मरेस्ट बट नॉट सो कम्फर्टेबल, बट यहाँ पे आपको कप होल्डर्स वाला ऑप्शन भी पीछे पैसेंजर्स के लिए देखने को नहीं मिलेगा। रियर एसी वेंट्स, यहाँ पे 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स, कुछ थोड़ा बहुत सामान रखने जगह एंड यहाँ पे भी कुछ सामान रखने जगह दी गई, हालांकि फ़ोन वगैरह यहाँ पे भी आप नहीं रख सकते। एंड डेडिकेटेड सनरूफ आपको पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग से यहाँ पे देखने को मिलेगी, विच इज़ डिवाइडेड इन टू अगर पूरी सनरूफ की अगर बात करें तो। कुछ और एडिशन्स भी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसमें हुए हैं, जैसे कि इसमें आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन अब देखने को मिलता है, इसमें जो है TPMS का फीचर ऐड करा गया है एंड ऑल्सो एक्टिव पार्किंग और हैंड्स फ्री टेलगेट का ऑप्शन देखने को मिला है। हालांकि बूट का साइज है वो सेम है, कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये मामला कुछ है इस नई मर्सिडीज बेंज GLA के इंटीरियर एक्सटीरियर में हुए चेंजेस को लेकर। अब इंजन जो इस पर दिया गया है 1.3 लीटर का पेट्रोल है एंड वही सेम 2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ओवरऑल ड्राइव जो है किस तरह से इसकी महसूस हो रही है, जो थोड़े बहुत चेंजेस अब इस नई GLA में करे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। बात करें इस ऑल न्यू GLA के परफॉर्मेंस ड्राइव किस तरह से, हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं है एंड जो वेरिएंट हमारे साथ था वो था इसका डीजल इंजन वाला वेरिएंट, जिसमें 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया जाता है एंड पावर जनरेट करता है 188 bhp एंड टॉर्क इससे निकलता है 400 न्यूटन मीटर्स का। 8 स्पीड DCT के कॉम्बिनेशन के साथ ये डीजल इंजन दिया जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो शुरुआत में ही काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इस इंजन से जो पावर निकलता है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है और वो फन वाला एलिमेंट इसकी राइड के शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल जो इंजन है काफी स्मूथ है और काफी अच्छी ड्राइव इस 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन से निकलती हुई दिखाई देती है। और बात करें इसके 8 स्पीड ऑटोमेटिक जो गियरबॉक्स इसमें दिया गया है तो वो भी काफी प्रिसाइज है और उसके शिफ्ट जो है बिना किसी लैग के होते हुए दिखाई देते हैं। तेज रफ्तार में आपको जो फटाफट शिफ्ट चाहिए होते हैं तो वो भी इस 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में देखने को मिलते हैं, तो वो प्रिसाइजनेस यहां जरूर है। अब गाड़ी में जो अलग मोड्स दिए गए हैं, एक स्पोर्ट मोड का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, 2-3 घंटे के आसपास मैंने इस नई GLA को चलाया, तो मोड्स में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी या बहुत ज़्यादा शिफ्ट डिफरेंट मोड्स में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इंडिविजुअल में हैं, कम्फर्ट में, स्पोर्ट में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क मुझे वहाँ पर उन मोड्स में देखने को नहीं मिला। स्पोर्ट मोड में जो है बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होती है गाड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस इन मोड्स के स्विच होने में महसूस आपको इसमें नहीं होने वाला है। तो बात करें स्टीयरिंग रिस्पांस की तो वहाँ पर भी मामला काफ़ी सॉलिड देखने को मिलता है, स्टीयरिंग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव वो भी एक एडिशन बन जाता है जब आप अच्छी ड्राइव किसी गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं। बात करें सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की तो मामला सस्पेंशन सेटअप को लेकर थोड़ा सा स्टिफ आपको महसूस होगा। गाड़ी ओवरऑल जो है काफ़ी बैलेंस फील होती है, बट सस्पेंशन सेटअप जो है थोड़ा सा स्टिफर एंड पर रखा गया है एंड वहाँ पर मुझे लगता है वो कम्फर्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ गाड़ी को चलाने के बाद महसूस होता है। हालांकि इसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी अच्छा है, बट ओवरऑल जो ड्राइव है वो आपको थ्रू आउट इस GLA में स्टिफ महसूस होने वाली है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है और अच्छी बाइट्स ब्रेक की दोनों ही माहौल में देखने को मिलती हैं।
ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस मर्सिडीज बेंज की ऑल न्यू GLA के बारे में, यस कुछ चीज़ें इसमें इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मिसिंग देखने को मिलती है। अब इस अपडेट के साथ उम्मीद थी कि वो चीज़ें अगर ऐड हो जाती तो एक बेहतर पैकेज जरूर ये नई GLA भी बन सकती थी, लेकिन ओवरऑल गाड़ी दिखने में स्मार्ट लगती है। कैबिन का जो ओवरऑल फील है वो प्रीमियम है, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन को लेकर चेंज नहीं हुआ है, बट जिस तरह का फील अंदर कैबिन में देखने को मिलता है तो वहाँ पर वो प्रीमियमनेस वाला क्वेश्चन भी इस GLA में ज़रूर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इंजन जो है स्पेशली डीजल इंजन ही हमने टेस्ट किया तो वहाँ पर उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी सॉलिड फील होता है। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है अगर आप इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ कोई गाड़ी तलाश रहे हैं स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में लग्जरी सेगमेंट में तो ये मर्सिडीज बेंज की GLA इन मायनों को या इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगर आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से ये एक अच्छा पैकेज आपके लिए ज़रूर बन सकती है। वेल अगर एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करता रहता है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है अपने पुराने सेल्स नंबर्स के ऊपर नहीं बैठे रहते रेस्ट करके, तो वो मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स। और आप कहेंगे कि आज हम टिगोर को क्यों लेके आए हैं, ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। वेल इसमें नया क्या है, ये है ICNG और इसमें आपको मिलते हैं ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ये AMT वर्जन है। सो इट रियली इज़ अ वेरी यूनिक पैकेज, CNG भी है, AMT भी है और ट्विन सिलेंडर भी है। इस गाड़ी के बारे में सारी बातें आज आपको बताएंगे, गाड़ी चलाने में कैसी है, बैठने में कैसी है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है क्या और वो सारी बातें, और लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर आपको कोई और गाड़ी की तरफ अपना पैसा लगाना चाहिए। वेल तो मैं आ चुका हूँ टाटा टिगोर ICNG ऑटोमेटिक के कैबिन के अंदर और अब इस गाड़ी को हम एक बारी आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या आवाज़ एक बार फिर से करते हैं, बहुत ही रॉक सॉलिड और बहुत ही रीअश्योरिंग आवाज़ है ये। साथ ही साथ जो इंटीरियर्स है उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पे ब्लैक है, हल्का सिल्वर और साथ ही साथ ये बेज या ऑफ वाइट कह लीजिए इसको, ये भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। एक नेगेटिव चीज़ ये है कि जो ऑफ वाइट है बहुत ही हल्का वाला कलर है, तो गर्मियों में आप अगर गाड़ी के अंदर खाना खाते हैं, मीटिंग्स वगैरह पे जाते हैं, लंच वगैरह गाड़ी में बैठ के करते हैं तो हो सकता है खाने और थोड़े चिपचिपे हाथ आपके कभी लग जाए या पसीने के निशान बन जाए, तो दैट्स अ बिट ऑफ अ नेगेटिव ऑफ ऑफ वाइट कलर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स एंड फील्स वेरी प्रीमियम। साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, डिजिटल तो आपको गेजेस मिलते ही हैं उसके अंदर, अब आपको टायर प्रेशर मॉनिटर वगैरह का सिस्टम मिल जाता है, पहले की तरह ही अच्छा टच स्क्रीन है। हाँ इट्स नॉट द न्यू एज टच स्क्रीन विच द नेक्स्ट वन अदर कार्स गेट, बट इवन दिस वन इज क्वाइट डिसेंट टू ऑपरेट एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स कीप द ओवरऑल कॉस्टिंग ऑफ द कार डाउन। CNG और पेट्रोल स्विच का बटन यहाँ पे है और बाकी बूट रिलीज वगैरह के बटन भी यहाँ पे दे रखे हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB टाइप सी एंड ओल्ड स्कूल USB पोर्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे एक थोड़ा सा प्लेस दे रखा है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आर्मरेस्ट इस गाड़ी में नहीं आता है विच इज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उससे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपको मिल जाता है एडिशनल यू नो लग्जरी फील का। और जो ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डीप है, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। जो दरवाजे हैं वहाँ पर भी आप बॉटल रख सकते हैं, लेकिन छोटी बॉटल की बहुत ज़्यादा डीप एंड स्पेसिस नहीं है। सीट कंफर्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल कुशनिंग इज क्वाइट गुड एंड जनरली द एम्बियंस एंड द प्लास्टिक क्वालिटी इज क्वाइट डीसेंट। वेल तो मैं आ चुका हूँ बैक सीट में और आप देख ही सकते हैं कि नी रूम ठीक ठाक है, हेडरूम अच्छा खासा है और गाड़ी की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, कुशनी जिसे कहते हैं वो सीट्स हैं, कुशनिंग बहुत बेहतरीन है और साथ ही साथ चौड़ाई में भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा चौड़ी तो नहीं है बट आई थिंक 3 लोग यहाँ पे आराम से एडजस्ट होएंगे बिकॉज द सीट कम्फर्ट जनरली इज़ गुड। और एक और बात जो काफ़ी अच्छी वो ये है कि बीच के पैसेंजर के लिए भी एक छोटा हेड रेस्ट उन्होंने दे रखा है, तो 3 ऑक्यूपेंट्स इनसाइड दिस कार विल फील क्वाइट सेफ एंड सिक्योर। यू ऑल्सो गेट एन आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको बेवरेज होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर पॉकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, दैट अगेन गिव्स यू अ सेंस ऑफ लग्जरी। बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ रेयर सीक्वेंस, वो एक चीज़ है जो कि आपको मिलनी चाहिए थी इस गाड़ी में, लेकिन एक बड़ा बेवरेज होल्डर उसकी जगह दे रखा है। शीशे काफ़ी बड़े हैं तो अगेन यू गेट अ सेंस ऑफ एयरनेस एंड द डोर्स ऑल्सो ओपन नाइस एंड वाइड, काफ़ी अच्छे दरवाजे खुल जाते हैं तो उससे भी चढ़ने में और उतरने में जो एपिचर है वो काफ़ी ईजी है। तो जिन लोगों के घर पर बुजुर्ग माँ बाप हैं वो लोग काफ़ी इस गाड़ी के अंदर अपने माँ को बैठाते वक्त सेफ और सिक्योर महसूस करेंगे क्योंकि चढ़ने में और उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और कैबिन भी काफ़ी खुला खुला पीछे लगता है।
वेल जल्दी से आपको इस गाड़ी का बूट दिखाते हैं, डिक्की दिखाते हैं और दिखा देते हैं कि तो यूजेबल है या फिर यूजेबल नहीं है। क्या सिर्फ जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की बात करें टाटा मोटर्स, ये गिमिक है? वेल नहीं, अच्छी बात है कि गिमिक नहीं है, एक्चुअली इट डज़ वर्क। आप पहले देख लीजिए कि यहाँ पे स्पेस ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप है और बहुत स्पेशियस, बट ठीक ठाक है कंसिडरिंग कि ये गाड़ी CNG है और डिक्की के अंदर CNG टैंक्स लगे हैं। और आप यहाँ पे आराम से मेरे हिसाब से दो बड़े लगेज के सूटकेस अगर आप पीस वगैरह रख सकते हैं या फिर आप 3-4 छोटे बैग रख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दो सिलेंडर दे रखे हैं इंस्टेड ऑफ वन बिग सिलेंडर, देव गिविंग टू CNG टैंक्स एंड व्हाट दैट इज, इससे क्या होता है कि आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है सामान रखने के लिए अपने। तो कंपेयर टू अदर राइवल्स, कंपेयर टू द अदर कार्स इन द सेगमेंट, दिस इज अ मच मोर प्रैक्टिकल एंड अ मच मोर यूजेबल बूट एंड आई थिंक यू नीड टू गिव credit to Tata Motors and the engineers who've thought of something new and delivered this different piece of engineering. Quite a good boot and quite a decent boot in terms of space as well as utility. Ab chalte gaadi ko chalane aur dekhte gaadi chalane mein kaisi hai. Well, to main chala raha hu Tata Tigor iCNG with the AMT. The big difference of course now is the AMT. अगर हम बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की तो आप सभी जानते हैं 1.2 पेट्रोल इंजन इसमें आता है और इसमें आपको मिलता है 72 bhp व्हेन यू पुट इट ऑन CNG, और अगर आप पेट्रोल पे जाते हैं तो करीब करीब 84 bhp की पावर ये देता है। तो थोड़ा सा ऑफकोर्स ऑन पेपर ड्रॉप ज़रूर है, बट रियल लाइफ में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इतना कोई मेजर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, खासतौर पर अगर आप शहर में चलाते हैं हाईवे पर या फिर खाली रास्ते पर, जैसे अभी हम चला रहे हैं बिल्कुल हाईवे के रास्ते पर, तो यहाँ पर तो आपको थोड़ा बहुत इमीडिएटली पता चल जाएगा डिफरेंस, बट विद इन सिटी विद इन ट्रैफिक व्हेन यू ड्राइविंग बम्पर टू बम्पर वहाँ पर आपको कोई मेजर परफॉर्मेंस ड्रॉप वगैरह पता नहीं चलता है। दूसरी इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट ही CNG पर कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और जब आप यहाँ से बटन दबा के CNG से स्विच करते हैं पेट्रोल पर और वापस डालते हैं CNG पर, तो इट्स वेरी सीमलेस, कोई भी झटका या कोई भी आवाज़ या कोई भी ऐसी आपको परेशानी नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं लगती जिससे आप कहें कि हाँ मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये गाड़ी अब CNG पर चली गई है या पेट्रोल पर चली गई है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ क्वाइट गुड विद दिस फैक्ट्री फिटेड CNG टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स ने बनाई है। अब AMT के साथ कैसी परफॉर्मेंस खासतौर पर CNG ड्राइव करते वक्त, देखिए साफ सीधी बात है, जो AMT ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है ये गेयर बॉक्सेस में, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्सेस में सबसे अफोर्डेबल और सबसे कहते हैं कि नीचे वाली स्तर की टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तो टॉक कन्वर्टर्स एंड ऑफ कोर्स डुअल क्लच और वो सब आते हैं इसके बाद, तो ये बड़ी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है और चलाते वक्त भी आपको पता चलेगा थोड़े बहुत हल्के फुल्के आपको लर्चीनेस और झटके लगेंगे जब गियर शिफ्ट होते हैं, तो आपको पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू डिसाइड टू रियली एक्सेलरेट हार्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी एक्सेलरेशन ले हूँ, ज़्यादा एक्सेलरेशन मेरे को मिले, तो ऑब्वियसली आपको झटके वगैरह लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको चलाते हैं आराम से हल्का पैर रख के एक्सेलेटर पे तो इतने ज़्यादा झटके नहीं लगते, थोड़ा सा आराम से होता है शिफ्ट। और जो लचीनेस है, जैसे आपके सर वगैरह हिलता है ऐसे जब पता चलता है कि वाकई गियर बॉक्स वगैरह यूज़ हो रहा है, गियर्स मूव हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो इस गाड़ी में डेफिनेटली आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन एज अ सेड CNG पर जब इस गाड़ी को आप डालते हैं और पेट्रोल से हटाते हैं तो इतना ज़्यादा लचीनेस वगैरह नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इवन ऑन CNG इवन ऑन AMT वर्जन फुल ऑटोमेटिक पे जब चलाते हैं तो भी आपको ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप मैनुअली यूज़ करते हैं, लेफ्ट को अगर आप गियर लीवर पर डालते हैं और यहाँ से माइनस पर डालते हैं या फिर प्लस पर डालते हैं तो एक सेकंड या कभी कभी एक से सवा सेकंड ज़्यादा लग जाता है शिफ्ट होने में गियर्स को, तो यू हैव टू गेट यूज टू इट एंड यू हैव टू ड्राइव द कार अकॉर्डिंगली, आपको सीखना पड़ेगा वो एक सेकंड जो डिले है एक्चुअल गियर शिफ्ट में। लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से रिफाइनमेंट, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस और साथ ही साथ राइड कम्फर्ट में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं राइड कंफर्ट की तो इसके जो सस्पेंशन की सेटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि ना ही इतनी सॉफ्ट है कि अगर आप इसको लेकर निकलते हैं हाईवे पर तो आप नर्वस हो जाएं, और ना ही ये इतनी ज़्यादा टाइट है, इतनी ज़्यादा स्टिफ है कि शहर में ट्रबल स्ट्रिप्स में से या फिर एक्सपेंशन जॉइंट पर गाड़ी को निकालते हैं तो आपको अनकम्फर्टेबल लगे, आपको ऐसा लगे कि मुझे झटके लग रहे हैं अंदर। तो इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ बोथ ओवरऑल कम्फर्ट एज वेल एज ऑफरिंग यू दैट राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू टेक इट आउट ऑन दी हाईवे। साथ ही साथ स्टेयरिंग व्हील का जो फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है,
काफ़ी एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी के साथ साथ ही एक और चीज़ जो इसकी अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर आपको वज़न ज़्यादा नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप दिन भर शहर में गाड़ी चलाते हैं तो आप थकेंगे नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं मेरे कंधे दर्द हो गए, मेरे हाथ दर्द हो गए गाड़ी चला के, क्योंकि स्टेयरिंग बहुत भारी होता है, लेकिन टिगोर सीएनजी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयरिंग के अंदर वज़न इन्होंने शहर के हिसाब से दे रखा है, हल्का है स्टेयरिंग चलाने में, दैट्स क्वाइट गुड। विजिबिलिटी इज़ क्वाइट गुड बिकॉज पिलर ओवर हियर इज़ नॉट वेरी थिक, तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। साइड व्यू मिरर्स जो है काफ़ी बड़े हैं और इस बीच वाले शीशे से भी आपको पीछे का व्यू अच्छा मिलता है, क्योंकि जो बीच का हेडरेस्ट है, तीसरा हेडरेस्ट है, वो बहुत ऊंचा नहीं है, छोटा हेडरेस्ट है, तो आपको पीछे भी अच्छा दिख जाए। तो विजिबिलिटी के हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे हैं, हल्के हैं, एंड राइड कम्फर्ट जैसा मैंने पहले कहा इट्स द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। डिज़ायर और जो भी और गाड़ियाँ सेगमेंट में आती हैं सीएनजी के साथ, उन सबसे बेहतरीन राइड कम्फर्ट इस गाड़ी का, चाहे आप बात करें हाईवे की, चाहे आप बात करें शहर की, आप इस गाड़ी में कम्फर्टेबल भी रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी महसूस करेंगे और चलाने में भी आपको ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। वेल, अगर बात करते हैं टाटा टिगोर आई सी एन जी ऑटोमेटिक की, एम टी की, तो सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन देती है। ए एम टी का ऑप्शन जो है वो आपको हैसल फ्री ड्राइविंग देता है, राइड कम्फर्ट गाड़ी का बेहतरीन है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से आपको बेनिफिट मिलता है कि आप डिक्की एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं इस गाड़ी की, जो आप बाकी सी एन जी ड्राइवर में नहीं यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही जो बैक सीट स्पेस और कम्फर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी कंपेरेटिव है, यानी कि ओवरऑल एज अ पैकेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इग्नोर दी टिगोर आई सी एन जी विथ दी ए एम टी के बॉक्स। और मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी को डेफिनेटली जाके टाटा मोटर्स की डीलरशिप पे एक बार देखना चाहिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विद माय वर्डिक्ट। आज के टाइम्स ड्राइव शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल के सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू जॉइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ईडी नाउ सुदेश, सी यू नेक्स्ट वीक।